तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेवेंजर्स क्रिकेट में। मैं हूं आपका अपना बनी, सेवेंजर्स का एक्स कैप्टन, और मेरे साथ हैं सेवेंजर्स टीम के कैप्टन मास्टर जी और न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के कैप्टन मंसूर साहब। हमारा सेवेंजर्स से न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के पहले दो मैच हो चुके हैं, जिसमें एक मैच जीती थी न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11, एक मैच जीती थी सेवेंजर्स। आज तीसरा मैच है जो कि फाइनल मैच है। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो अपने साथ लेके जाएगा एक शानदार ट्रॉफी, तो उसके टॉस की तैयारी है। चलिए मैं मास्टर जी से बोलूँगा, मास्टर जी टॉस स्पिन करेंगे। चलिए कॉल करेंगे न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के कैप्टन मंसूर साहब। तो टॉस जीते हैं न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के कैप्टन मंसूर साहब, बताइए सर क्या करेंगे? दो मिनट के टाइम दे दोगे? नहीं, अभी वीडियो चल रही है। फील्डिंग सर, आज की क्या रणनीति है आपके गेंदबाजों को लेकर? आज जिस तरह का मौसम है, अभी को ओस गिनने लगेगी, क्या आपकी सोच है? आप क्या सोचते हैं? आज का ये फाइनल मुकाबला है, दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला है, तो मंसूर सर आज की क्या है आपके सामने? सेवेंजर की टीम में पिछली बार आप हारे थे और बहुत अच्छा मुकाबला जीता था, और सेवेंजर लगातार मुकाबले जीतती चली आई है। मास्टर जी की टीम जो लगातार विनिंग हो रही है, अभी पिछला मुकाबला भी 77 रन से उन्होंने बैठा क्रिकेट क्लब 11 हाजीपुर को हराया था, क्या सोच है आपकी? सोच कुछ नहीं है, गेम की तरह खेलना है। मास्टर जी माशाल्लाह इनकी टीम तो बहुत अच्छी चली रही है इस टाइम। हमारा एक मैच हम भी पहले जीत ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे तरीके से जीते थे। मास्टर जी ने बहुत इनके मुंह से छीना था हमने मैच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा। ऊपर मंसूर भाई, आपको सोच जो लेने का सोच ये है कि अक्सर यहाँ पे क्या है कि चेस करने में थोड़ा मजा ज्यादा आता है इस ग्राउंड के अंदर, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार टॉस की कॉलिंग भी हम भी करें। हर बार मास्टर जी जीतते हैं, इस बार हम करके हम जीत के फील्डिंग। अब आते हैं मास्टर जी की तरफ से, जो पिछले लगातार मुकाबले जीत रहे हैं और अपने स्पिन के जादूगर से विकेट में फंसाते हैं और विकेटों से जाते ही चौका भी लगाते हैं, मैंने कई बार कमेंट्री किए देखा। मास्टर जी, क्या आज आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो लगातार आपके सक्षम बल्लेबाज है, रीढ़ की हड्डी है आसिफ बॉडी, क्या पिछला मुकाबला खेला था, जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप रही थी, क्या कहना चाहते हैं मास्टर जी? देखिए, टीम फॉर्म में कोई बदलाव नहीं है टीम में, ना ही किसी भी प्लेयर को स्पेशल कोई कमिटमेंट करी गई है एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसा खेलते आ रहे हैं वैसा खेलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 की, जिसमें से एक मैच वो जीते हैं एक मैच हम जीते हैं, तो एक मैच जो न्यू दिल्ली जीती थी वो भी गलती से जीती थी, दूसरा तो हम अच्छा जीते ही हैं। हाँ, तीसरा मैच तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विक्ट्री हमारी हो। और मैं देखने आया हूँ, फुल मजा लेने आया हूँ दोनों तरफ से ही। जिस टीम का पल्ला भारी होगा भाई, मैं तो उधर चला जाऊंगा। बिल्कुल, इस मैच में मैन ऑफ द मैच। तो पहले बॉलिंग ली है न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 ने और बैटिंग करेगी टीम सेवेंजर्स। बॉलिंग चलिए स्वागत है आपका एक सेवेंजर क्रिकेट के एक नए क्रिकेट मैच में। आज का मुकाबला जो है बहुत ही शानदार होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे को जानती हैं। ये तीसरा मैच हो रहा है इसी ग्राउंड पर। जो आज का मुकाबला है वो दिल्ली फैंटास्टिक 11 और सेवेंजर्स के बीच में है, तो दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए आसिफ बॉडी और आकिब, शानदार प्रदर्शन रहा था दोनों का। पिछले मैच में आकिब ने 50 से ज़्यादा रन बनाए थे और आसिफ ने भी 40 से ज़्यादा रन बनाए थे। लाइटें जल चुकी हैं, आपका स्वागत किया गया है लाइट जलाकर नौशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। सबसे पहले 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है, ये गाज़ियाबाद का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो न्यू फैंटास्टिक 11 और सेवेंजर क्रिकेट के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें बराबरी पर हैं, एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं, ये फाइनल मुकाबला है और जो जीतेगा वो ट्रॉफी का हकदार होगा, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो यहाँ पर टॉस किया गया है और टॉस जीता था न्यू फैंटास्टिक 11 के जो कप्तान हैं मंसूर जी ने, और उन्होंने तुरंत टॉस जीतने के बाद डिसाइड किया कि पहले वो गेंदबाजी करेंगे। और पिछली बार के मुकाबले इस बार भी सेवेंजर क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो एक टारगेट सेट करेगी। पिछला मुकाबला उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जीता था, 77 रन से उन्होंने हराया था
बेटा 11 हाजीपुर क्रिकेट टीम को, क्या आज उसी स्तर की वो बल्लेबाजी करेगी? दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आसिफ बॉडी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, लगभग 41 रन की पारी खेली थी, और दूसरे जो लगातार हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार हो रहे हैं और लगातार गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से और फील्डिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हैं आकिब। तो पहला ओवर करेंगे दिल्ली फैंटास्टिक 11 की तरफ से दीपक। दीपक दौड़ना शुरू करते हुए हमसे दूर बाले छोड़ते, तेज कदमों के साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, मिडिल स्टंप भी अच्छी गेंद थी इस बार, पूरी तरह चकमा खा गए बल्लेबाज पहली गेंद, क्योंकि ये नाइट का जो मुकाबला है थोड़ा सा यहाँ पे हालांकि शुरू में परेशानी जरूर होती है बल्लेबाज को, लेकिन इस वक्त सुरक्षित है और क्रिकेट टीम के लिए वो अर्धशतकीय पारी खेलना है। दीपक चौथी बार दौड़ना शुरू करते हुए पवेलियन एंड से आए, अंपायर के करीब से गुजरे, इस बार अच्छी गेंद थी, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, इसको खेल दिया है और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए पहला चौका लगता हुआ सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार खेला है पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दीपक तो पांचवी गेंद के साथ में तैयार हैं। दीपक दौड़ना शुरू करते हुए लंबे लंबे डक भरते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार खेला है और यहां पर ये खतरा, ये आसिफ बॉडी बहुत ही एक कहना होगा खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर रन की जरूरत नहीं थी। गाइज मैच अभी काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको पता है अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हमारी पूरी टीम को मास्टर जी ब्रांड न्यू क्रिकेट की किट देंगे, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। वल्बी के होते हुए मास्टर जी इतनी छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचते नहीं है क्योंकि वो वल्बी से ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। इसका एक कमाल का फीचर है लाइट हाउस, जो कि एक AI टूल है, ये ग्लोबल न्यूज और इवेंट ट्रैक करता है और सिंपल लैंग्वेज में उनके मार्केट में इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है एंड ट्रेडर्स को मेथड भी सजेस्ट करता है। आपको बस अपनी नजर लाइट हाउस पर रखनी है और वन क्लिक में ट्रेड्स को ओपन करना है। लाइट हाउस ने उसकी बहुत हेल्प की है, यहाँ कुछ इनएक्यूरेट सिग्नल्स भी हैं तो आपको वैसे भी उनको एनालाइज करना चाहिए, लेकिन चिंता मत कीजिए सक्सेसफुल सिग्नल्स भी आते हैं और ये अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वल्बी पर साइन अप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और खुद को अनदर इनकम सोर्स पाने के लिए मत रोकिए। $10 का रिबेट वाउचर आपका वेट कर रहा है जो आपको ट्रेड के लिए लगाए गए कुछ कमीशन चार्जेस वापस पाने में हेल्प करेगा अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं तो। और मुझे लगता है कि शायद यहां पर सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए आसिफ बाड़ी जिन्होंने कोई गेंद का सामना नहीं किया, रन आउट हुए, गलती मानना पड़ेगी मुझे आमिर भाई, बिल्कुल आसिफ बॉडी की है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, गेंद सीधी हाथ में थी, दौड़ पड़े, हालांकि काफी निराश जरूर होंगे यहां पर आकिब और क्योंकि जिस तरह के आउट हुए हैं। अब क्या कहना चाहते हैं आमिर भाई इस विकेट के लिए, जो पहले एक करारा झटका लग गया है, इससे पहले चौका लगा दिया था उन्होंने जबरदस्ती, क्या कहेंगे आप? देखिए पहले ही ओवर चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दबाजी की, लेकिन शायद तालमेल सही से नहीं बैठा, समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि आकिब जो है रन लेंगे, लेकिन आकिब अपनी क्रीज में ही मौजूद थे और इस तरह से पहला झटका यहाँ पर टीम सेवेंजर्स को। बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा है और जो पहला झटका लगा है ये फाइनल का मुकाबला है, दोनों टीमें बराबरी पर हैं। ओवर के ख़त्म होने के बाद स्कोर सेवेंजर क्रिकेट टीम का 4 रन, एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद, आउट होने वाले बल्लेबाज वो थे आसिफ बॉडी जो कि रन आउट हुए, जिन्होंने कोई गेंद नहीं खेली और दुर्भाग्यपूर्वक वो रन आउट हुए। पर मुकाबला आपको बड़े ज़बरदस्त रोमांचक मुकाबले मिलेंगे। सोहेल तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए बेहतरीन शॉट खेला है और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए मिड विकेट के बाहर, खूबसूरत शॉट था पानी पर लेकर इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। अफजल हबीबी बहुत ही सक्षम, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। 4 रन के साथ 12 रन का स्कोर हो चुका है सेवेंजर क्रिकेट टीम का। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ एक विकेट के नुकसान पर। दीपक लगातार गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए हमसे दूर वाले छोर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, दौड़ना शुरू करते हुए आए, अंपायर के करीब से गुजरे, मिडिल स्टंप गेंद थी, बेहतरीन शॉट खेला है के लिए लेग बाउंड्री के बाहर, पूरा शॉट, कहना होगा कि आकिब जिस तरह के बल्लेबाजी से जाने जाते हैं उसी रूप में आप देख सकते हैं इस समय, बहुत ही गजब का शॉट खेला इस बार, घूम कर मारा, अपने पार्टनर जो उनके रन आउट हो गए हैं उसका उन्हें ज़रूर मलाल होगा, लेकिन क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि जो हो चुका है आप उसको भूल जाएं, क्रिकेट ठंडे दिमाग और निगाहों का खेल है। आप लायक फैसला लिया, आप देखते हैं उनका फैसला कहां तक सही साबित होता है अगली गेंद के साथ। बेहतरीन शॉट खेला है फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं इस समय, आप देख सकते हैं
आकिब चूंकि बहुत ही अच्छे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, निश्चित तौर पर इसमें तोहफे के रूप में खराब गेंद छोटी गेंद उसका पूरा फायदा उठाया और काफी खर्चीले साबित होते हुए यहां पर दीपक। और इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त 25 रन एक विकेट के नुकसान पर सेविंजर क्रिकेट टीम की उम्मीद हम आज बैटिंग करते हैं। सूरत हाल एक बार फिर सुहेल के हाथों में गेंद, हम तो दूर वाले छोड़ से तेज कदमों के साथ इस बार बेहतरीन उठाकर खेला है और इसी के साथ बल्ले ब्लॉक कर दिया। एक आसान सा कैच यहां पर अफजल हबीबी को, एक बहुत बड़ी यहां पर मैं समझता हूं कि जीवन दान मिला है। क्या अफजल हबीबी उस जीवन दान का फायदा उठाएंगे। हर हाल चार ओवर का खेल खत्म हुआ, स्कोर है 32 रन एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। सेविंजर टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती है। एक बार फिर आसिफ हमसे दूर बाले छोड़ से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए और इस बार बेहतरीन शॉट खेला है और इसी के साथ कोशिश प्रयास लेकर यहां पर चार रनों के लिए कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अफजल हबीबी ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर आपने इनको जीवन दान दे दिया तो ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैं नौशाद ली और काफ़ी हमारे जानने वालों ने कहा है कि आमिर भाई जो कैमरा मैनिंग है वो बहुत अच्छी है सेविंजर क्रिकेट टीम की। इस बार बताएंगे बेहतरीन शॉट खेला है आज के खेल के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। आकिब को आप देख सकते हैं छोटे कद के हैं लेकिन बड़ी लंबी लंबी हिट लगाते हैं और मैं लगातार आपको बताता हूँ हर मैच में आपने देखा है कि आकिब ने 50 प्लस रन किए हैं और आज उसी मूड में नजर आते हुए दो छक्के लगा चुके हैं गगन चुन्नी और स्कोर हो गया है 44 रन और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया है 24 रन आकिब का। स्कोर हो गया है कुल मिलाकर सेविंजर क्रिकेट टीम का 45 रन एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। अच्छी पार्टनरशिप चलती हुई इस मुकाबले में। अगली गेंद समीर की दूर वाले छोड़ से और इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए तीन छक्के लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से और उन्होंने जो फाइन लेग पर फायर किया है निश्चित तौर पर वो दर्शाता है कि वो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। कोई भी उनके सामने टारगेट सेट कर देंगे। अगली गेंद के साथ यहाँ पर बेहतरीन शॉट तो खेला है, गेंद हवा में है उसके पीछे है, क्या कैच ले पाएंगे। और आखिरकार अफजल हबीबी 52 रन के स्कोर पर दूसरा महत्वपूर्ण विकेट गिरा है। गेंद काफी देर हवा में रही, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक लंबा छक्का लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेकिन बहुत ही बेशकीमती विकेट लिया। फ्लैट लाइट में कैच लेना इतना आसान नहीं है, हालांकि एक कैच ड्रॉप कर दिया था लेकिन जितनी उम्मीद थी कि शायद उसका फायदा उठा पाएंगे लेकिन 12 रन बनाने के बाद 12 गेंदों पे आउट हुए। आप देख सकते हैं अफजल हबीबी हालांकि एक अच्छी पार्टनरशिप जुड़ चुकी है, 52 रन की जोड़ ली है इस समय, स्कोर जोड़ लिया है सेविंजर क्रिकेट टीम ने दो बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। अभी अभी जो आउट हुए बल्लेबाज वो अफजल हबीबी थे, हालांकि अच्छा खेल रहे थे लेकिन एक लंबा हिट लगाते चाहते थे। अगले बल्लेबाज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इमरान शिकारपुरिया, पिछले मुकाबले में इन्होंने जाते ही लगातार तीन चौके लगाए थे, एक लगाया था मिड विकेट के बाहर, एक कवर ड्राइव और एक पॉइंट के बाहर पिछले मुकाबले में जो खेला गया था। इस बार बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को थोड़ा परेशान करते हुए इस बार बेहतरीन तरीके से खेला है लेकिन यहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद इत्मीनान से एक रन लिया और एक रन के साथ स्कोर 56 रन दो बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। टॉस हारने के बाद सेविंजर क्रिकेट टीम ये फाइनल के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई एक टारगेट सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली गेंद आसिफ हमसे दूर वाले छोर से तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर के करीब से गुजरे और आप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खेला है लेकिन बहुत ही अच्छी यहाँ पर फील्डिंग बगैर किसी रन के और बहुत ही किफ़ायती ओवर। अभी तक के ओवरों में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर है यहाँ पर आसिफ का और काफ़ी कम खर्चीले साबित हुए इस ओवर से। 56 रन बन चुके हैं सात ओवर में दो बल्लेबाज के आउट होने के बाद सेविंजर क्रिकेट टीम कोशिश करते हुए। अगली गेंद के साथ एक बार फिर शाहिद तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया और बेहतरीन तरीके से इसको खेला है, खूबसूरत शॉट खेला, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं चार रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर आकिब जो कि रीढ़ की हड्डी हैं यहाँ पर
सेवेंजर क्रिकेट टीम के। और शुरुआत में जब टॉस हुआ था तो उस समय भी हमने आमिर भाई चर्चा की थी मंसूर भाई से कि आपको जो है अगर ज़्यादा खतरा पहुंचा सकते हैं तो वो आकिब हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं, और आज बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। क्या बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन खूबसूरत शॉट यहाँ पर, 4 रन और मिले और इसी के साथ 38 रन की संख्या पहुंच गई है, रन संख्या यहां पर आकिब की। ओवर समाप्त हो चुका है, इसी के साथ 8 ओवर में 63 63 रन 2 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद से ये बहुत ही बड़ा फाइनल का मुकाबला अगली गेंद के साथ। और इस बार आउट हो गए, खुद चल दिए, कोई गलती नहीं की यहां पर, अंपायर ने उंगली को हवा में लहराया, इमरान शिकारपुरिया अंपायर के देखने से पहले ही चल दिए। तो ये क्रिकेट में कहा जाता है कि आप अगर लगा है कि आप आउट हो तो आप खुद चल देते हैं। काफ़ी निराश यहां पर सेवेंजर क्रिकेट टीम का जो खेमा है इस समय, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं क्योंकि अफजल हबीबी और जिस तरह की यहां पर बल्लेबाजी चल रही थी अफजल हबीबी और आकिब की जो पार्टनरशिप थी, लेकिन जल्दी जल्दी यहां पर 2 विकेट गिरे। हालांकि सेवेंजर क्रिकेट टीम के पास बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, मजे हुए बल्लेबाज हैं और जानते हैं कि जिम्मेदारी को निभाना है, हर बल्लेबाज इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि आकिब का साथ देना ज़रूरी है। एक एंड से अगर आप सिंगल भी लेते रहेंगे तो आसिफ उस तरह के बल्लेबाज हैं। अपने स्कोर हो गया है 68 और 9 ओवर के ख़त्म होने पर शाहिद तेज कदमों के साथ एक बार फिर शाहिद हमसे दूर वाले छोड़ से इस बार आए, अच्छी गेंद की, LBW की अपील है, बोल्ड हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, हमें भी यहाँ से नहीं दिखा, क्लीन बोल्ड आउट कर दिया है सेवेंजर क्रिकेट टीम को। ये चौथा छक्का, इमरान नत्था, काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल निराश किया, सिर्फ एक ही रन बनाने के बाद वो आउट हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इस क्रिकेट में कब क्या हो जाए आप नहीं कह सकते। वही सेवेंजर की टीम जिन्होंने 201 रन बनाए थे बेहता क्रिकेट क्लब हाजीपुर के अगेंस्ट, आज यहां पर जूझती हुई जो 3 बल्लेबाज जल्दी जल्दी गिरे हैं, अब भूरा मलिक पहुँचे हैं, काफ़ी एक अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी तेज़ कदमों के साथ शाहिद दौड़ना शुरू करते हुए, और बेहतरीन शॉट खेला है, मिस फील्ड हुई, यहाँ पर 4 रन मिल सकते हैं और इसी के साथ ये थंडरबैन के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। खूबसूरत शॉट यहाँ पर, भूरा मलिक बहुत ही अच्छे और सक्षम बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं और इसी के साथ स्कोर हो गया है 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ पर ड्रिंक्स चलता हुआ, जी हाँ बिल्कुल, और खिलाड़ी जो कि हैं न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 के, अपने आप को तरोताज़ा करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहली बार उनको मौका मिला है इस मुकाबले में, गेंदबाजी के लिए परिवर्तन किया गया है और देखते हैं परिवर्तन के रूप में वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। कि ये एक शॉर्ट पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है एक बार फिर, और इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथ ये क्या हो गया, क्लीन बोल्ड आउट हो गए। मुझे लगता है कि शायद ऊपर की गिल्ली गिर गई, बहुत ही निराश होंगे, बहुत ही बड़ा झटका निश्चित तौर पर सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए, ये बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि आकिब रीढ़ की हड्डी हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 45 रन उन्होंने बना लिए थे और सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया था, अपने अर्धशतक से मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 रन दूर थे, लेकिन निराश होंगे। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, बैटिंग करने के लिए फिरोज गए हैं, देखते हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, हालांकि फिरोज से कोशिश है लेकिन किस तरह की बैटिंग करते हैं फिरोज। और बहुत अच्छी यहां पर आउट, ये क्या, ये करारा झटका, लगातार दूसरी गेंद पर फिरोज आउट, ये बहुत ही खतरे की घंटी यहां पर, हालांकि नाखुश से नजर आते हुए फिरोज, लेकिन यहां पर बगैर कोई रन बनाए, बहुत उम्मीद थी यहाँ पर फिरोज से। 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं, सेवेंजर क्रिकेट टीम का जो खेमा है इस समय बहुत ही दुखी होंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है, जैसा मैं हमेशा अपने कमेंट्री में कहता हूँ कि पल पल में जो रंग बदलता है इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी, और पासा किस तरह पलटा आपने देखा, 52 रन तक सिर्फ और नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं अर्शद
के बाद इस समय बहुत ही प्रेशर में टीम, गहरे संकट के बादल, एक एक गेंद पर यहां पर आहा उह की आवाज निकल रही है गेंदबाज और फील्डरों के बीच। अब 11 ओवर में 77 रन 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू करते हुए बेहतरीन उठाकर खेला है यहाँ पर, और इसी के साथ ये भूरा मलिक गलती कर बैठे, धैर्य नहीं रख पाए, उठाकर खेलना चाहते थे, गलती कर दी और इसी के साथ ये सातवें बल्लेबाज पवेलियन आउट। हमारे YouTube पर देखने वाले जितने भी जो प्रशंसक हैं सेवेंजर क्रिकेट टीम के, शायद ज़रूर यहाँ पर निराश होंगे, ज़रूर यहाँ पर उनको दुख होएगा, लेकिन उनको कहना चाहते हैं कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आप कभी भी कभी कभी कम स्कोर में मुकाबला होता है और आज मास्टर जी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि मास्टर जी हमेशा ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, तीसरे या दूसरे डाउन पे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज मास्टर जी काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करते हुए जिम्मेदारी को समझते हैं, टीम के कप्तान हैं और जाहिर है कि दुनिया उनको जानती है। तो का एक स्कोर सम्मानजनक स्कोर होता है। बेहतरीन शॉट खेला है हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास से ये 6 रनों के लिए, हर्षद ने बहुत खूबसूरत शॉट, जकड़न सी महसूस कर रहे थे और ये छक्का जो लगाया है 112 मीटर का, ये काफ़ी किफ़ायती साबित होंगे हर्षद के लिए। जब कोई भी बल्लेबाज प्रेशर में होए और एक अच्छा शॉट लगाए तो आमिर भाई निश्चित तौर पर उनका विश्वास वापस आता है। छक्के के साथ 88 पर पहुँच गई है सेवेंजर क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद, ये देखिए अच्छे क्रिकेट की निशानी है, छक्का लगाने के बाद बेहद इत्मीनान से खेला। अजहर ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, मगर 91 रन बन चुके हैं 7 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद 14 ओवर से। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से और मास्टर जी खूबसूरत बैटिंग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर, लेकिन इकलौते एक ही रनों के लिए स्ट्राइक को चेंज किया और मास्टर जी ने स्ट्राइक दे दी है। वर्षक को कहा जाता है लेग स्टंप को मिस कर रही है, यहाँ पर कोई भी आउट की। 96 रन बन चुके हैं 7 बल्लेबाज आउट होने के बाद, 16 ओवर प्रगति पर है। समीर गेंदबाजी का जारी रखेंगे, बेहतरीन शॉट खेला है ये कवर की तरफ जाती हुई और इसी के साथ मिस फील्ड, 4 रन 100 रन पूरे हुए इसी के साथ, सेवेंजर क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए चौके के साथ। कर रहे हैं एक बार फिर, उठाकर मारा है गेंद हवा में है, क्या कैच हो पाएगा या नहीं, ड्रॉप कर दिया। मास्टर जी को एक बहुत ही जबरदस्त जीवन दान मिला। समीर तैयार होते हुए उनके सामने बल्लेबाज हैं, मास्टर जी दौड़ना शुरू करते हुए, उठाकर मारा है और दौड़ लगाते हुए और ये बहुत ही गजब का बहुत ही खूबसूरत यहां पर चौका। मास्टर जी इस समय क्रीज पे डटे हुए हैं, मास्टर जी इसी के साथ इस चौके के साथ स्कोर 107 रन हो गया है। मास्टर जी कप्तान हैं, जानते हैं ये फाइनल का मुकाबला है, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, बना देंगे लक्ष्य उनके लिए बहुत अच्छा है। अगली गेंद शाहिद की और इसी के साथ ये खतरा हो सकता है और आउट हो गए हर्षद, बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी। शाहिद को मिलने वाली एक महत्वपूर्ण विकेट, अगर कुछ देर और टिक जाते आमिर भाई तो मुझे लगता है सेवेंजर क्रिकेट टीम एक अच्छे टारगेट की तरफ सेट हो जाती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक एक बड़ा सा टॉपेज लगा, गेंद काफ़ी देर हवा में रही लेकिन विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और आप देख सकते हैं अर्शद जो कि निराश होते हुए आउट पवेलियन जाते हुए, हालांकि बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिस टाइम गए थे तो काफ़ी मुश्किल में टीम थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख, बहुत ही उम्मीदें हैं आज शाहरुख से और शाहरुख की कोशिश यही होना चाहिए, कोशिश यही होना चाहिए कि मास्टर जी को स्ट्राइक दें, क्योंकि मास्टर जी को फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है और इसी के साथ ये भी आउट हो गए, खराब शॉट। मैं समझता हूँ आमिर भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको सीधा बल्ला करके बस डिफेंस करना था और 9 स्ट्राइक के आप मास्टर जी को देखिए, बहुत निराश होंगे, बहुत दुखी होंगे, क्योंकि आज उनका बल्ला बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और गेंद उनके बल्ले पे आ रही है लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही है, उनके जो पार्टनर हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें थी शाहरुख से, 109 रन पर 9 बल्लेबाज पवेलियन। अब देखते हैं कि आखिरी कौन से बल्लेबाज बैटिंग के लिए आते हैं। 109 रन
9 विकेट के नुकसान पर और 17 ओवर का खेल समाप्त। मास्टर जी ने यहाँ पर कोई रन नहीं लिया, उनकी कोशिश है कि लंबी हिट लगाई जाए। बेहतरीन शॉट खेला है लेकिन गेंद हवा में है, फिर कोई रन नहीं। तो यहाँ पर इस मुकाबले को आप देख सकते हैं, इस समय ऐसा लगता है कि 9 स्ट्राइक पर हैं कमिंग्स, स्ट्राइक एंड पर हैं मैक्सवेल अगली गेंद के साथ। मास्टर जी ने खाली क्षेत्र देखकर खेला है, एक लंबी दौड़ लगाते हुए वहां पर फील्डर, लेकिन एक रन ले लिया और मास्टर जी ने इस एक रन के साथ स्कोर अब 112 रन। एक एक रन बेहद कीमती है यहां पर सेवेंजर क्रिकेट टीम का। और इसी के साथ यही डर था और आखिरकार यहां पर क्लीन बोल्ड आउट हो गया। अरे मास्टर जी 113 रन बने हैं, 114 रन बनाना है। मास्टर जी नॉट आउट आते हुए यहां पर अपने आप से काफ़ी नाराज़ होंगे। अब क्यों ना नाराज़ हों, क्योंकि इसके बाद भी लगभग 12 गेंदों का खेल बाकी था। ताश के पत्तों की तरह ढही है आज सेवेंजर क्रिकेट टीम। एक समय 52 रन के स्कोर पर एक ही बल्लेबाज आउट था, लेकिन उसके बाद जो विकेट की झड़ी लगी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अजहर ने, 3 विकेटें ली हैं अजहर ने और 3 विकेटें ली हैं शाहिद ने, तो दोनों ने मिलकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, इसी के साथ पहली पारी समाप्त हो चुकी है इस नाइट क्रिकेट मैच में। सेवेंजर क्रिकेट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के इस मुकाबले में 113 रन बनाए हैं और पूरी टीम लगभग 18 ओवर के आसपास ऑल आउट हो गई है। अब हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका मुकाबला। आप लोग कहीं भी नहीं जाइएगा, यूट्यूब पर सेवेंजर क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आप हमारे इस कमेंट्री के आप इस मुकाबले को लुक उठाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, सेवेंजर्स की टीम मैदान पर आ चुकी है और न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज भी मैदान पर आ चुके हैं, अजहर और गौरव। पहले बल्लेबाजी कर टीम सेवेंजर्स ने 114 रनों का लक्ष्य दिया है न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 को। हालांकि लक्ष्य जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहला ओवर आपको सीनियर क्रिकेट टीम के लिए स्पिन आक्रमण देखने में नज़र आएगा और मास्टर जी जो गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से, बेसिक तो अरशद गेंदबाजी करते हैं जो उनके सीमर तेज अटैक गेंदबाज हैं, लेकिन यहां पर कप्तान खुद मास्टर जी गेंदबाजी करेंगे। तो उसी तरह सीनियर क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं मास्टर जी ने निर्णय लिया है। एक बार फिर मास्टर जी, बहुत अच्छी गेंद, इस बार इसको हल्के से कलाइयों के सहारे खेला है। जब तक फील्ड किया जाता एक रन मिला और पहले रन से खाता खोलते हुए बल्लेबाज अब सामना करेंगे। तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं अगली गेंद के साथ, एक बार फिर मास्टर जी और इस बार उठा कर मारा है लेकिन मौके को तोड़ा और इसी के साथ ये मिड विकेट के बाहर 4 रन और इसी के साथ 5 रन बन गए हैं 3 गेंदों से। देखते हैं चौका लगने के बाद किस तरह की गेंदबाजी करते हैं दौड़ना शुरू करते हुए मास्टर, एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ से और ये ड्रॉप कर दिया कैच। यहाँ पर रंग बदल जाता है, इतने छोटे स्कोर में भी कभी कभी आखिरी क्षणों तक मैच चला जाता है, आप क्रिकेट को कभी भी कुछ नहीं कह सकते। और ये की अच्छी गेंद कराओ किसी के साथ आउट मार्कर जी ने बेहतरीन तरीके से खुशी की लहर देखी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कराई और मास्टर जी यहां पर बहुत खुश नजर आते हुए निश्चित तौर पर यहां पर एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई। बहुत ही जबरदस्त यहां पर विकेट मिला और आखिरकार यहां पर अजहर आउट होते हुए पवेलियन जाते हुए बहुत ही सक्षम बल्लेबाज थे और इसी के साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रन बनाया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहां पर बाद में बैटिंग करना इतना आसान है नहीं और मास्टर जी ने बड़ी चालाकी से खुद गेंदबाजी करने के लिए समीर मंसूर और ये न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 टीम के कप्तान मंसूर जी बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। आज उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आकिब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जो स्पिन के जादूगर हैं और बल्लेबाज को फंसाते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूर वाले छोड़ से कमेंट्री बॉक्स एंड से और ये
थोड़ा सा छोटे पड़ गए हैं, क्लाच लगाई लेकिन एक रन के साथ स्कोर हो गया कुल मिलाकर 8 रन, 2 ओवर से 8 रन, यानी कि 2 रन खर्च किए हैं आकिब ने। कप्तान मंसूर, यानी कि एक तरफ मास्टर जी कप्तान, दूसरी तरफ मंसूर, हल्के हल्के कदमों के साथ मास्टर जी ने दौड़ना शुरू किया। क्या कैच हो सकता है? और ये आउट, ये बेहतरीन कैच, अक्कल हबीबी, खूबसूरत कैच। और मास्टर जी आज कप्तानी वाली गेंदबाजी करते हुए मास्टर जी को एक बहुत ही जबरदस्त, एक बड़ी मछली, यानी कि कप्तान ने कप्तान को आउट किया। और मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर जो छोटा स्कोर है इतना आसान नहीं होगा। आमिर भाई, हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर ओव गिनने लगेगी और स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलेगी, जिस तरह मैंने बताया था सेविंजर टीम इस समय अब पकड़ बनाती है। बिल्कुल, और उस चीज को पूरी तरह से समझा है टीम सेविंजर्स ने, अपने जो शुरुआती बॉलर है उनको ना बॉलिंग उनसे फिकवा कर खुद भार संभाला है यहाँ पे मास्टर जी ने। जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी 100 रन के लिए संघर्ष, उनके सामने है अजद, अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील लगाई, विकेटों के सामने पकड़े गए, अंपायर ने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल विकेटों के सामने। आज यहाँ पर 3 बल्लेबाज पकड़ी है, क्या गजब की सेवेंजर क्रिकेट टीम ने, क्या अनुभव का परिचय दिया है आज मास्टर जी ने। आज मास्टर जी ने अपने सीमर, अपनी तिगड़ी जो गेंदबाज हैं अर्शद और उसके अलावा अफजल हबीबी और भूरा मलिक को ना कराते हुए अपने कंधों को उठा लिया। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मास्टर जी की टीम काफी खुश नजर आती हुई, पूरा खेमा नजर आता हुआ। और हमारे जितने भी यूट्यूब पर जो सेविंजर क्रिकेट टीम के प्रशंसक हैं, सपोर्टर हैं, वो यूट्यूब पर जो मुकाबले की हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं इस मुकाबले को, निश्चित तौर पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत खुश हो जाते हैं। 90 साल से ज़्यादा वाले इस मुकाबले को ना ही देखें, दिल का दौड़ा, दिल की धड़कने। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, क्या फील्ड की जमावट लगा रखी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गेंद को बेहतरीन तरीके से फिरोज ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग, 4 ओवर में 13 रन बने हैं और 3 बल्लेबाज पवेलियन, लेकिन इस समय पड़ा जो भारी है वो सेविंजर क्रिकेट टीम का है। अगली गेंद के साथ एक बार फिर मास्टर जी इस गेंद पे क्या करते हैं था, और इसे खेला है इसी के साथ, ये 4 रनों के लिए, काफी देर से जकड़न सी महसूस कर रहे थे। असद ने बेहतरीन चौका लगाया, स्कोर कुल मिलाकर 4 रन, सेविंजर क्रिकेट टीम को माफ कीजिएगा, न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 क्रिकेट टीम का 114 रन का पीछा करती हुई ताज़ा स्थिति ये है, 21 रन बना लिए हैं 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद 5 ओवर में। ये आने वाला समय बताएगा। भूरा मलिक एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ से तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए, ओहो, फ्री हिट, अरे रन आउट, सब किस्मत का खेल है। देखिए इसीलिए क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, फ्री हिट। और यहाँ पर शायद बहुत ही निराशा होगी क्योंकि जो फ्री हिट हो गई, मीटर प्रति घंटे से गेंद फेंकी। अगली गेंद भूरा मलिक हमसे दूर वाले छोड़ से तेज कदमों के साथ, और यहाँ पर ये कैच ड्रॉप कर दिया, ये बहुत ही मुश्किल, अरशद से एक बेहद ही जबरदस्त कैच था, एक एक कैच जीवन दान यहाँ पर असद के लिए, और असद को मिलने वाला ये महत्वपूर्ण जीवन दान, और इस जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे, कैच पकड़ो जीतो मैच। लेकिन यहाँ पर तो सेविंजर क्रिकेट टीम लगातार कई कैच छोड़ चुकी है, फिलहाल तो 24 रन हो गया है इस सिंगल के साथ। भूरा मलिक, दीपक यहाँ पर बहुत ही परेशानी का सबब बने हुए हैं, खेल नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से भूरा मलिक की गेंदों का, और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला है, बहुत अच्छी फील्डिंग, इकलौते 1 रनों के लिए, इस 1 रन के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक ने 1 ही रन लिया, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया कुल मिलाकर अब 25 रन। 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है, स्कोर है कुल मिलाकर 26 रन, 3 बल्लेबाजों के पवेलियन आउट होने के बाद 114 रन के पीछा करती हुई टीम। और इसे उठाकर मारा है, और ये 6 रनों के लिए, खूबसूरत और बेहतरीन शॉट यहां पर। अच्छी गेंद थी, इस बार बेहतरीन तरीके से खेला है, खाली क्षेत्र देखकर कोई मौका नहीं, 4 रनों के लिए, खूबसूरत शॉट।
38 रन बन चुके हैं और 18 रन बना दिए हैं अजहर ने, सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदें खेली हैं, 45 रन। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से बूरा मलिक तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए यहाँ पर, और इस बार बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज, 4 रनों के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा नाराज जरूर नजर आते हुए बूरा मलिक, और इसी के साथ और कुल मिलाकर हो गया है 50 रन, 8 ओवर में 50 रन पहली बार नजर आया है, 6 से ज्यादा एवरेज। कौन जीतेगा ये अपने आप में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के साथ डॉट बॉल, मास्टर जी ने अपने सर पे हाथ रखा और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है और अब 56 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 9। आज यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर फील्डिंग करते हुए, शायद यहाँ पर अगर निश्चित तौर पर चौका भी हो सकता था, सीधा बल्ला करते हुए खेला था असद ने। आज बेहतरीन पारी खेली है, जितनी भी तारीफ की जाए 26 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर, और उनका जो पूरा भरपूर साथ दिया है दीपक ने, और दीपक ने अभी तक 18 रन बनाए हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण। और ये बॉल लगी है अर्शद के जूते में, थोड़ा चोट लगी है अर्शद के घुटने में बहुत तेज, मुझे लगता है नीचे जो गट्टों पे है वो चोट लगी है, और मुझे लगता है कि शायद गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, बहुत तेज तरहार आप देखिए प्रहार किया था, और ऐसी ठंड इस समय आप देख सकते हैं बिल्कुल। अरे अफजल भाई को दे दे, हालांकि चोट लगी है और इसके लिए वो ड्रेसिंग जरूर करवाएंगे, क्योंकि अगले और मैचों में भी उन्हें बने रहना है, क्योंकि अभी और मुकाबले भी खेले जाएंगे, मंडे को भी शायद मुकाबला होगा, तो उसके लिए उनका रहना बहुत ज़रूरी है। इमरान नत्था को गेंदबाजी सौंपी है जो कि इंजर्ड हो गए हैं, अर्शद अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि उम्मीदें थी उनसे। और इस बार अच्छी गेंद, इसको खेल दिया है और फिर यहां पर मिस फील्ड हुई, लेकिन रन लेने के मूड में नहीं दिखे दीपक। 72 रन बना लिए हैं, और इसी के साथ मुझे लगता है 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 72 रन, लेकिन 57 रन की बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। इमरान नत्था हमसे दूर वाले छोर से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए, और यहां पर आउट हो गए। जी हां बिल्कुल, इमरान नत्था, मैंने जैसा आपसे कहा है कि अगर यहां पर एक दो विकेट छटकती है सेविंजर क्रिकेट टीम, तो निश्चित तौर पर यहां पर इमरान नत्था ने बहुत देर के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद एक ब्रेक थ्रो दिलाया, और उस ब्रेक थ्रो में इमरान नत्था ने अहम रोल निभाया। दीपक जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इनकी सराहना करनी होगी, आउट हुए, हालांकि बल्लेबाज अब गए हैं समीर। दीपक के आउट होने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिन्होंने महरातन वाली पारी खेली, पूरा साथ दिया यहां पर असद का, और जिस टाइम जिस वक्त गए थे तो उस टाइम लगभग 15 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले गए थे, उनका विकेट गिरा, और अब समीर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं सेविंजर क्रिकेट टीम की। ज़बरदस्त इमरान नत्था की वो जहरीली गेंद जिनने दीपक के कैच करार दिए गए, बेहतरीन कैच लिया आसिफ बॉडी जो कि विकेट के पीछे हमेशा तैनात खड़े रहते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी तो की थी समीर ने, तो क्या बल्लेबाजी से भी वही जौहर दिखा पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी और यहां पर ये आउट, ये बेहतरीन कैच, आखिरकार यहां पर दूसरी लगातार सफलता इमरान नत्था के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट को दूसरे शब्दों में क्रिकेट कहा जाता है, जहां पर ब्रेक थ्रो के लिए जूझ रहे थे, जहां पर ब्रेक थ्रो के लिए परेशान थे बूरा मलिक, जहां पर इमरान शिकारपुरिया अपना दांव लगा रहे थे गेंदबाजी से, वहां पर जी हाँ बिल्कुल इमरान नत्था ने वो काम कर दिखाया। दो लगातार विकेटें हैट्रिक पर आ गए हैं और बल्लेबाजी के लिए सुहेल आए हैं, पिछले मुकाबले में बगैर कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड आउट किए थे, भूरा ने इनके लेग स्टंप को काफ़ी दूर गिराया था, क्या आज इमरान नत्था वो काम कर पाएंगे भूरा मलिक वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यूट्यूब पर देख रहे हमारे तमाम
हजारों श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस मुकाबले को बड़ी बारीकी से देखते हैं। था तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन होगा। इमरान नत्ता दौड़ना शुरू करते हुए हैट्रिक की तरफ तेज कदमों के साथ इस बार, और ये खराब गेंद इमरान नत्ता की। 5 रन यहां पर मिलते हुए 72 से आगे बढ़ता हुआ पांच मारता हुआ स्कोर अब 77 रन। ये 5 रन जो है वो काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। 77 रन का स्कोर जीतने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 37 रन बनाना है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए इमरान नत्ता दौड़ते शुरू हुए, अंपायर के करीब से गुजरे। इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतरीन शॉट खेला है, और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट इस बार खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। और इस 4 रन के साथ में स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 81-81 रन की है। 9 रन आ चुके हैं, इससे पहली गेंद पे 5 रन आए थे। अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 33। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से, और इसे खेला है खाली क्षेत्र, देखकर ये 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। यहाँ पर स्कोर कुल मिलाकर 86 हो गया, 87-87 रनों का स्कोर हो चुका है। पूरी ब्रेक थ्रो की कोशिश में लगे हुए हैं इमरान शिकारपुरिया, और यहाँ जी हाँ बिल्कुल आउट। क्या बात है, क्या यहाँ पर कुछ बात चलती हुई। एक समय ऐसा लगा कि अंपायर ने उंगली उठाई, लेकिन क्या बात चलती हुई है। जी हाँ बिल्कुल आउट दे दिया है। ये मुकाबला मुझे याद आता है, मैंने एक बार इस मुकाबले को जो जिस तरह आउट हुए हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वेस्ट इंडीज जो पाकिस्तान का मुकाबला था उसमें कॉल्टनी वॉल्श एक बार सलीम जाफर को आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया था, और उसके बाद कॉल्टनी वॉल्श के एक ओवर में 14 रन बनाए थे अब्दुल कादिर ने, और पाकिस्तान ने वो मुकाबला जीत लिया था, और बीबीएन डिकेट्स अपने ग्राउंड में ही लेट गए थे, हालांकि वो गलती कर गए थे। और यहाँ पर देखिए इस तरह का विकेट आपने मुझे याद नहीं है, अभी वुमेन्स क्रिकेट मैच में भी ऐसा हुआ था, और आखिरकार यहाँ पर वो विकेट मिल गया, वो चालाकी इमरान शिकारपुरिया। जो शिकारपुरिया है ना जी, इनका नाम बड़ा खतरनाक है आमिर भाई। अगले बल्लेबाज दिलदार, तो यहाँ पर मैच अब रोमांचक स्थिति में आता हुआ। 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं, क्या 4 बल्लेबाजों को आउट करके ये ट्रॉफी मास्टर जी अपने हाथ में लेंगे। और एक बार फिर गेंदबाजी फ्रोज करने आए हैं पवेलियन एंड स्पिन है। पिछली बार बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, और इस बार क्या उम्मीदें हैं उनसे। फिरोज एक बार फिर तेज कदमों के साथ साहिल के लिए इस बार बैठ कर खेला है, इकलौते 1 ही रनों के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर हो गया है अब 92 रन। 92 रन का स्कोर, और देखते हैं 29 सिंगल रोको सिंगल, अभी भी लगभग 22 रन बनाना है जीतने के लिए, करना पड़ रही है। दिल की सांसें रोक देने वाला ये क्रिकेट का मुकाबला। एक बार फिर अगली गेंद के साथ, और इस बार अच्छी गेंद थी, और यहाँ पर ये 4 रन चले जाएंगे। ये यहाँ पर थर्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बाहरी किनारा लगा वहाँ पर, और तेजी के साथ बंधनाती हुई सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों के साथ स्कोर 97-97 रन। 27 गेंदें बाकी हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि विकेटों के ऊपर खेल ज़्यादा है यहाँ पर। देखते हैं क्या करिश्मा करके दिखाते हैं यहाँ पर फिरोज़ एक बार फिर, चौका लगने के बाद क्या कुछ परिवर्तन करते हैं अगली गेंद के साथ एक बार फिर, और इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं फील्डर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए फिरोज काफ़ी खर्चीले साबित होते हुए स्कोर हो गया 101 रन। अब 13 रन बनाना है जीतने के लिए। अब ये ओवर समाप्त हुआ, 24 गेंदों पे जीतने के लिए 11 रन बनाना है। लगभग आहिस्ता आहिस्ता ये मुकाबला सेवेंजर क्रिकेट टीम के हाथों से निकलता हुआ। मास्टर जी ने और आकिब ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की थी दोनों स्पिन आक्रमण था, और ये यहाँ पर 4 रन मिलेंगे कि नहीं 4 रन। इसे कहते हैं किस्मत का खेल, इसे कहते हैं क्रिकेट। यहाँ पर शायद यहाँ पर कोशिश प्रयास की थी, छोटे से रह गए, और अब 4 रन बनाना है जीतने के लिए। अगर यहाँ पर ये कैच हो जाता तो एक मैजिक कैच कहा जाता,
और ये मैच में वापसी कर सकती थी सेवेंजर क्रिकेट टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थर्ड मैन के बाहर ये चार रनों के लिए चली गई गेंद और यहाँ पर 110 रन बन चुके हैं। अब चार रन बनाना है जीतने के लिए। और देखते हैं मास्टर जी अफजल हबीबी को बुलाते हुए। अब 18 गेंदों से चार रन बनाना है, क्या कुछ करिश्मा हो पाएगा? अफजल हबीबी कुछ करिश्मा कर पाएंगे? और इसी के साथ खेला है बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो लगता तो रन आउट हो जाते, लेकिन आज किस्मत जो है न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 के साथ में है। चलो अगली गेंद के साथ एक बार फिर अफजल हबीबी के हाथों में गेंद है, क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे? एक बार फिर पवेलियन एंड से अंपायर के करीब के गुजरे हुए, इस बार गेंद की और बेहतरीन शॉट खेला है। इस मुकाबले को खत्म करती हुई टीम, इस मुकाबले को न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 की टीम ने 4 विकेट से जीता है। कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन क्रिकेट जैसा कि मैं बताता हूँ मनान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरकार यहाँ पर सेवेंजर क्रिकेट टीम इस मुकाबले को हार गई है। एक समय लगा कि शायद जब 3 बल्लेबाज सिर्फ 15 रन पर पवेलियन चले गए थे, मास्टर जी ने आज बहुत ही बेहतरीन कप्तानी वाली पारी खेली, नॉट आउट रहे, अच्छे रन बनाए, 2 विकेटें भी ली, आकिब ने भी शुरू में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। आज किस्मत उनसे रूठी थी, कुछ कैचेस छूटे, एक अरशद से जो कैच छूटा वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था वहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल असद का, और उसके बाद बहुत ही अच्छा क्रिकेट का मुकाबला आपने देखा, आपको अच्छा लगा। और हमारे साथ में हमारे जी हाँ बिल्कुल अनुभवी, बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे आमिर भाई, जो आपको यूट्यूब से इतनी बढ़िया क्लियरिटी से आपको जी हाँ बिल्कुल वीडियोग्राफी से आपको दिखाते हैं। और मैं नौशाद अली कमेंटेटर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल कर हमारे इस मुकाबले को, हमारे इस क्रिकेट मैच को देखते हैं। मैं हम सभी श्रोताओं का सराहना करता हूं। और यहां पर देखिए खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए बिना मतभेद के, ये क्रिकेट जो है कोई भी खेल, क्रिकेट जो कोई भी खेल होता है दो दिलों को जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं, भाईचारे वाला ये क्रिकेट था आज। जी हाँ बिल्कुल मंसूर बहुत खुश होंगे, जिस तरह उनकी टीम जीती है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जीत हमेशा क्रिकेट की होती है, जीत हमेशा जी हाँ बिल्कुल जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। सेवेंजर क्रिकेट टीम ने भी बहुत अच्छा खेला, 114 रन पर भी उन्होंने बहुत ही लड़ाया मैच, हालांकि शुरू में जो झटके दिए, मास्टर जी ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जितनी तारीफ़ की जाए मास्टर जी की कम है, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं, शुरू में ही उन्होंने जो स्पिन आक्रमण लगाया। आ जाइए जी कप्तान साहब, दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइन अप करें वल्वी पर, और जो कोई भी अभी साइन अप करेगा उसे $10 का रिबेट वाउचर मिलेगा, जो कि उसको ट्रेड करने के लिए लगाए गए कुछ कमीशन चार्जेस को वापस करने में मदद करेगा।